भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक गोवा है, जो अपनी बेसुमार खूबसूरती से दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है। उसी गोवा में बने बेसिलिका चर्च ने उसे पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। गोवा की राजधानी पणजी से 10 किलोमीटर दूर ओल्ड गोवा में स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा का सबसे प्रसिद्ध चर्च है, जो संपूर्ण विश्व से हजारों ईसाई या गैर ईसाई पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सन 1605 में निर्मित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ईसाई वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है, जहां इस बात का अनुभव किया जा सकता है कि दिव्य शक्तियों का क्या महत्व है। यह चर्च इस क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए पुजारी सेंट फ्रांसिस जेवियर का घर था। कैथोलिक संप्रदाय के लोग संत फ्रांसिस जेवियर का नाम आदर और सम्मान से लेते हैं। संत का जन्म स्पेन के एक राजघराने में हुआ था और उनका वास्तविक नाम फ्रांसिस्को द जेवियर जासूस था, लेकिन उन्होंने घर त्याग कर कैथोलिक धर्म का प्रचार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया और धर्म प्रचारक होने के कारण उनका नाम संत फ्रांसिस हो गया। रोम के पोप का प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने धर्म प्रचार का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने पूर्व की जोखिम भरी समुद्री यात्रा 1551 से आरंभ की। इस यात्रा के दौरान वे मोजाविक, केन्या, सोक्रेता होते हुए गोवा पहुंचे थे। उन्होंने ओल्ड गोवा को अपना स्थायी निवास स्थान बनाकर काफी समय तक आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचार किया। धर्म प्रचार करने के दौरान ही संत की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को साकियान द्वीप चीन में हो गई। माना जाता है कि संत के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के 4 माह के बाद उनके शिष्य ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संत के ताबूत को खोला तो शिष्य भौचक्का रह गया, क्योंकि संत का शरीर तो 4 माह के बाद भी यथावत बना हुआ है। इसके बाद संत के मृत शरीर को चांदी के एक बड़ी मंजूषा में रखकर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के चैपल में प्रतिष्ठित कर दिया गया। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह शव विगत 460 वर्षों से बिना किसी लेप या मसाले के आज भी एकदम तरोताजा है। विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी इस रहस्य को पता लगाने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं। संत का शरीर यथावत रहना आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती से कम नहीं है। वर्तमान में हर 10 वर्ष बाद संत का मृत शरीर बेसिलिका हॉल के खुले प्लेटफॉर्म पर आमजन के दर्शन के लिए रखा जाता है। चर्च पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिदिन खुला रहता है। चर्च के अंदर तीर्थयात्री पूजा करते हैं और जटिल कलाकृतियों का भ्रमण करते हैं, जो संत फ्रांसिस के जीवन काल का वर्णन करती हैं। चर्च की इमारत को जेसुइट वास्तुकला के सिद्धांत पर बनाया गया है। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के कुछ चित्रों को भी रखा गया है। लोगों का मानना है कि यह संत चिकित्सा की चमत्कारी शक्तियों के लिए माने जाते थे और देश भर से तीर्थयात्री यहाँ अपनी प्रार्थना लेकर आते थे, इसलिए आज भी यह चर्च बॉम जीसस के नाम से जाना जाता है, जिसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं।